तो मैं और साई जा रहे हैं मनीष का हालचाल पूछने। ओ तेरी तो सारी किताब पढ़ दी भाई। पता नहीं चला मेरा कुत्ते ने काट लिया, जब इसके पैर मेरे हैंडल तक आए ना भिड़ जाता। हेलो नमस्कार दोस्तों, तो देख रहे हैं आप, मैंने जैकेट डाली हुई है और अभी धूप है। अभी आया हूँ ड्यूटी पे से और सुबह गए थे हम, 3 बजे ड्यूटी लगी थी, एक डेमो एम्प्टी थी उसको छोड़ के आना था। तो ये हो गई है अपनी शॉर्ट ट्रिप, रात को 3 बजे का साइन ऑन और अभी 10:30 बजे साइन ऑफ। पर रास्ते में हो गया एक हादसा, मनीष की लगाई थी मेल एक्सप्रेस के लिए सिद्धेश्वर की गाड़ी और अरे बाप रे, मैं तो बाइक से आया था, स्कूटी लेके आते हैं दोस्तों। यूजुअली मैं पैदल आता हूँ पर रात में ड्यूटी लगी थी तो मैं आया था बाइक से और मनीष ने देख लिया था कि हाँ रवि का भी टीए बना है तो उसने मुझे कॉल किया। स्कूटी से ही मैंने फ़ोन उठाया, मेरे को लगा लेट हो तो लॉबी का फ़ोन आया होगा, तो देखा तो मनीष का फ़ोन था। मनीष यूजुअली दूसरे रास्ते से आता है जो थोड़ा सा सेफ है, आज वो जल्दी जल्दी पता नहीं इधर से कैसे आया रनिंग रूम के पास से, तो उसने मेरे को फ़ोन किया कि कहाँ है, तो मैंने बोला मैं स्कूटी से आ रहा हूँ, बोला यार मेरे को भी लेके चल। मैं ठीक है तो किधर है, तो वो जैसे ही उधर आया उसको लेके और रनिंग रूम के आगे से हम जब निकले तो वहाँ थे 2-3 कुत्ते और वो कुत्ते पीछे पड़ लिए और पहले ही मोमेंट में दोस्तों मनीष के पैर पे कुत्ते ने बट लिया बुड़का, मतलब बाइट कर लिया, हमारे देसी भाषा में बोलते बुड़का। और भाई जब यहाँ आके देखा हमने गाड़ी खड़ी करके तो उसके खून आए हुए थे। फिर हम लॉबी गए, लॉबी में जाके बताया कि सर ऐसे ऐसे आते समय रास्ते में बाइक के पीछे स्कूटी के पीछे डॉगी आ गए थे और उन्होंने मनीष को काट लिया है, और देखा तो फिर खून ज़्यादा था। तो सर बोले कि ठीक है फिर आप अभी तो ड्यूटी जाने की हालत में नहीं हो, तो उन्होंने फिर उसकी IUD बना दी दोस्तों, IUD मतलब ऑन ड्यूटी इंजरी, ठीक है। और फिर वो गया हॉस्पिटल एक सर के साथ में और वहाँ पे उसने टीके लगवाए अपने, और अभी वो IUD में है और उसको फिर देखते हैं, अभी उसका लेटर वेटर बना के लाना है तो मैं आ गया हूँ, तो हम जाएंगे और फिर जाके बात करते हैं आपसे, है ना। तो मैं और साई जा रहे हैं मनीष का हालचाल पूछने, साई बोला मैं भी चलता हूँ चाचू का हाल पूछूंगा। तो शायद वो इंजेक्शन लगवा के आ गया, जाके मिलते हैं। कहाँ है राजू, मनीष कहाँ है, अंदर है क्या? तो चलिए दोस्तों मिलते हैं मनीष से, देखते हैं क्या कर रहा है। ओ तेरी तो सारी किताब पढ़ दी भाई। अरे किस चीज की तैयारी कर रहा है? अरे भाई साहब, तो देख लो दोस्तों ये है छुपा रुस्तम, नौकरी लगने के बाद भी तैयारी चालू है, हम साला घूमते रहते हैं इधर उधर ऐसे, देख रहे हैं आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? GDC की। GDC पास कर रहा है मनीष, कर रहा है पूरी अपनी IUD का फुल फायदा, ठीक है भाई। तेरे तो मेरा भाभी है, टाइम पास के नाम किताब हम कर लेंगे। ये अपनी किताबों के साथ देख लो किस तरह से जुटा हुआ है नौकरी लगने के बाद भी, और आप लोग भी छोड़िए मत इस चीज को, इंस्पिरेशन आपके आगे बैठा है मनीष, ठीक है। तो दोस्तों अपन बात करते हैं टॉपिक पे अपनी IUD। देखिए हमारे पास में 3 प्रकार की लीव कई होती हैं, एक तो हमारी सीरियल कैजुअल लीव होती है, LAP होती है लीव अगेंस्ट पे, और जो हम सिक चले जाते हैं, सिक में हो जाते हैं तो वो हमारी एक होती है, और एक ये अलग सी होती है IUD इंजरी ऑन ड्यूटी, ठीक है। उसके बारे में मनीष बताएगा, और अभी मनीष ने अपने IUD का कागज तैयार करवा लिया जब तक मैं आया था, तो अभी ये बताएगा कि पूरा प्रोसीजर क्या है, क्या इसमें पैसे कटते हैं, क्या कैसे कैसे रहता है। तो मनीष बता थोड़ा सा भाई इसके बारे में। प्रोसीजर तो क्या भाई, इसकी वजह से हुआ था ये ज़्यादा स्कूटी लेके मैं अपना पैदल पैदल जाता था, कुत्ते नहीं काटते थे, तो ये ड्यूटी जा रहा था, तो भाई
इसने भी देख लिया कि हाँ रवि की भी ड्यूटी लगी है। रवि की भी ड्यूटी है, सेम टाइम पे साइन ऑन था हमारा, इकट्ठे चलेंगे तो इकट्ठे चलेंगे। स्कूटी पे बैठा, इन दिनों पीछे से कुत्ते ने काट लिया। और इसने भाई साहब स्कूटी में जो पता नहीं चला मेरा कुत्ते ने काट लिया, जब इसके पैर मेरे हैंडल तक आए ना तब पता चला कि कुत्ते को हमने भगा लिया। तो जब ड्यूटी जा रहे थे तो लोग भी पहुंचे तो देखा कि ऐसे ब्लीडिंग सा रखा है, ज्यादा नहीं लगी दोस्तों, हल्की सी चोट आई, हल्का सा आया था, बस नाखून सा लगा था, ऐसे ब्लड निकल गया था पर उसमें हल्का सा। हाँ वो वही इंजेक्शन लगवाना जरूरी रहता है ना, कि कोई भी हो जाए चलो इंजेक्शन तो कम से कम लगेंगे, चाहे वो ज्यादा काटे चाहे थोड़ा काटे। तो फिर गए तो वहां से कुछ नहीं हुआ, आईओटी का गए, उनको बताया लोग ड्यूटी, इनको बताओ कि आप जैसे जिस गाड़ी के लिए जा रहे थे, कौन सी गाड़ी, सिद्धेश्वर के लिए जा रहा था, मेल एक्सप्रेस की गाड़ी थी, और उस समय जब इसको कुत्ते ने काट लिया तो साइन ऑन का टाइम था, तो उसके बाद ये ड्यूटी नहीं जाता तो फिर कोई और उस समय इतनी जल्दी बुलाया भी नहीं जा सकता 10 मिनट के अंदर, तो फिर गाड़ी कैसे गई आगे? 20-25 मिनट बाकी थी बस। हाँ, तो गाड़ी आगे वही असिस्टेंट को थ्रो करने के लिए बोला, वही असिस्टेंट गया आगे जो पीछे पूना से लेके आया था। हाँ, पूना से लेके आया था, वो बताने सोलापुर लेके चला गया, असिस्टेंट को कुत्ते ने काट लिया तो आपको आगे सोलापुर तक जाना है, वहां से अथॉरिटी दे दी थी उसको, है ना। हाँ हाँ, मेरा लिख दिया था सर ने कि इसका इंजरी ऑन ड्यूटी है तो जाके अपना वो करवाओ, ट्रीटमेंट करवाया, रात में गए इंजेक्शन वगैरह लगे। और वही आईओटी में दूसरे दिन डॉक्टर को दिखाया, रात में तो डॉक्टर बैठता नहीं है, सुबह सुबह डॉक्टर बैठा, 10 बजे गया मैं दोबारा चेक करवाने के लिए, तब दो दिन स्टार्टिंग में 2 ही दिन का देते हैं छुट्टी, दो दिन का छुट्टी दिया है। हाँ, लेकिन उसका ये है कि उसका छुट्टी कटता नहीं है, वो आईओटी में मतलब आपको ड्यूटी के दौरान इंजरी होता है ना तो उसमें आपका छुट्टी कटता नहीं है, ना ही सिक कटता है और ना ही आपका जो मेन छुट्टी मिलता है। हाँ, जो हमारे कोटे में जो छुट्टियां आती हैं वो उसमें से वो नहीं कटती हैं, ये छुट्टी रेलवे के द्वारा हमें प्रोवाइड की जाती है कि भाई आपको ऑन ड्यूटी इंजरी हुई है तो ये रेलवे की जिम्मेवारी है कि आपको सिक पे रखा जाए रेलवे के द्वारा। तो अभी 200 लगेंगे 6 इंजेक्शन। हाँ, कुल कितने, 6 हैं कि 7 हैं? 2, 3, 4, 5, 6 इंजेक्शन है। 2 तो लग गए थे सुबह, 2 लग गए थे वो रात में ही, और फिर एक जब चेक करवा के आया तब लगा। अभी फिर डॉक्टर के पास आज फिर जाके आया था तो डॉक्टर को बोला है 2 दिन का और बढ़ा दो, तब ये 4 दिन में रहेगा इधर घर पे, मस्ती से खाना पीना खाएगा और किताबें आपने देख ही ली है, खूब पढ़ाई की जोर पकड़ लिया है, क्योंकि हमने भरा एक GDC का फॉर्म जो जनरल वो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये रेलवे का एग्जाम रहता है दोस्तों। हाँ, उसमें जॉब लगने के बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम है तो उसमें जॉब प्रोफाइल अगर चेंज करना चाहते तो भाई साहब कर रहे हैं गार्ड की तैयारी, स्टेशन मास्टर की और बहुत सारी है, पैसा है, टिकट कम कलेक्टर वगैरह, अच्छी अच्छी पोस्ट है, जो अपना NTPC में पोस्ट रहती है ना वही है। तो ये रहता है दोस्तों सारा प्रोसीजर इसके अंदर, तो थोड़ा सा रिस्क भी रहता है ड्यूटी के अंदर पर रेलवे सारी फैसिलिटी देती है तो हम रिस्क लेने को तैयार हैं। तो बस यही थी जानकारी, और फिर परसों हम जाएंगे अगर डॉक्टर ने छुट्टियां नहीं बढ़ाई तो फिर नहीं, परसों तो नहीं बढ़ाएगा, परसों इंजेक्शन लगेगा उसके अच्छा। बाद फिर फिट हो जाएगा, तो फिर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से फिट का जो सर्टिफिकेट देता है, कैसे कैसे हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, और फिर उसके बारे में बात करेंगे आपसे। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले दिन, बाय बाय। ठीक है दोस्तों, बाय। तो उसी जगह से ले चल जहाँ से कुत्ता काटा था, सुबह सुबह जा रहे हैं। नहीं भाई, दोबारा कुत्ता काट जाएगा मुझे। यहीं पे था, यहीं पे इसने पैर उठाए थे अपने। कुत्ता से ज्यादा डर लगता है मुझे, क्योंकि अगर तू नहीं आता तो कुत्ता काटता नहीं मुझे। तो भाई साहब आज लोग, अभी हम जा रहे हैं मनीष को फिट दिलवाने, 4 दिन का जो इसने शानदार रेस्ट लिया है, सुबह शाम खूब सोया है भाई, शानदार रेस्ट के जबरदस्ती थोड़ी सो कुत्ता खाया मैंने भाई, 2 दिन का दे रहा था डॉक्टर, 2 दिन और बढ़वा लिया, पहले सांप दे दो 2 दिन और, थोड़ा जख्म था हरा, डॉक्टर बोलता क्यों नाटक कर रहा है। तो अभी फिट होने जा रहा है, आज इसको फिट दे दिया तो ये आज ड्यूटी नहीं जाएगा, कल सुबह फिर 6 बजे के बाद कभी भी तो ड्यूटी लगेगी। तो ये कुछ सुविधाएँ हैं जो रेलवे में हमें दी जाती हैं और अच्छी हैं, आप जल्दी से जल्दी तैयारी कीजिए और आइए, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अभी जाते हैं डॉक्टर के पास, देखते हैं क्या कहेगा, फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह घूमते फिरते हुए हम पहुंचे अपने रेलवे अस्पताल, रेलवे अस्पताल पहुंचते पहुंचते मेरी भी ड्यूटी लग गई थी, तो जल्दी जल्दी हमने अपनी पर्ची कटवाई,
पर्ची कटवाने के बाद पहुंचे डॉक्टर के पास, जहां पर 2 से 3 लोग को पायलट पहले से इंतजार कर रहे थे। फिर हमारा नंबर आया, उसके बाद हमने इंजेक्शन लगाए। इंजेक्शन लगवाने के बाद हम पहुंचे फिट सर्टिफिकेट लेने। फिट सर्टिफिकेट 10 से 15 मिनट में मिल गया था, ये जो कि जमा कराना था CCR ऑफिस, जिससे मनीष की ड्यूटी उसके बाद लगने वाली थी। तो मनीष चला गया था ऑफिस और मैं हो गया था अपनी ड्यूटी के लिए तैयार। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।